नमस्कार, आइए इनके हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। हाथ की लंबाई के हिसाब से हाथ की उंगलियों की लंबाई अनुकूल नहीं होने पर किस प्रकार के फल होते हैं, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर इनकी कनिष्ठ उंगली की, कनिष्ठ उंगली ये यहाँ पर अपने आप में सूर्य पर्वत के ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही। व्यक्ति पूरी मेहनत के साथ में काम करता है, सबको अपने साथ लेकर चलता है और व्यक्ति को सफलता नहीं मिल जाती। ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ ये उंगली झुकी हुई है, तो यहाँ व्यक्ति को परिवार से कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता है। तो ये सब इनके पास ईश्वर ने इनको इतनी पावर नहीं दी है जिससे आदमी को पहचान सकें कि मेरा बुरा करने वाला कौन है और भला करने वाला कौन है। तो इसका टावर अच्छा नहीं निकला। दूसरा, सूर्य की उंगली को देख लेते हैं। सूर्य की उंगली अपने आप में अनुकूल है। आदमी अपने मन से, अपने अंदर से बिल्कुल उसकी आत्मा पवित्र है, बिल्कुल सच्चा सीधा सही आदमी है। तो यहाँ इनके लिए ये अच्छी उंगली है। बात कर लेता हूँ शनि पर्वत की। इसका भी झुकाव कहीं ज़्यादा नहीं है, ये सीधी खड़ी हुई है। ये आदमी के स्वास्थ्य को अनुकूल रखने वाली इस तरीके की ये उंगली आपके सामने है। चौथी उंगली बृहस्पति की है। बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि पर्वत की तरफ है। ईश्वर में आस्था, बड़ों के प्रति सम्मान, घर वालों की चिंता व्यक्ति के अंदर समाई रहती है। बात कर लेते हैं इनके बुध पर्वत की। ये बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर मुझे कोई विशेष खड़ी हुई रेखाएं इनके यहाँ पर अनुकूल नहीं मिली। थोड़ा सा बुध पर्वत अगर ये देखता हूँ तो इनका लगभग लगभग अनुकूल है, यानी कि धन के आगमन तो इनके बाद बने रहेंगे। भगवान की कृपा से इनको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ने का है। इस तरह का ये बुध पर्वत है। सूर्य पर्वत भी अनुकूल है। सूर्य पर्वत पर वो रेखाएं नहीं मिली जिससे आदमी को यश मिलता है, सम्मान मिलता है, ऊंचाई मिलती है, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती हैं, वो यहाँ पर रेखाएं नहीं हैं। तो आपको जीवन में इतना बड़ा पद प्राप्ति वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली है। शनि पर्वत को जाती हुई ये रेखा पूरी तरीके से शनि पर्वत पर पहुँच रही है। इसका मतलब ये है आपको जीवन भर धन के आगमन तो बने रहेंगे। तो यहाँ ये बात मैंने लगभग लगभग आपको इस पर्वत की बताई। आ गया बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, कोई अच्छी रेखा नहीं है। बृहस्पति पर्वत का ऊंचा उठा हुआ होना अच्छा नहीं होता। व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को लोग बहका लेते हैं और अपनी स्थिति के अनुकूल बना लेते हैं और वो उनको समझ नहीं पाता है। चलिए, यहाँ सब आपकी बात हो गई। अब मैं बाकी आपके सवालों के जवाब में आपको देने वाला हूँ कि ऐसे क्यों हो आप। भाई साहब, ये देखिए, आपकी हृदय रेखा और हृदय रेखा में मानसिक रेखा, दिमाग की रेखा आकर के यहाँ पर मिल गई। व्यक्ति, ये तो छोटी सी बहुत हल्का सा इंडिकेशन्स नीचे है मस्तिष्क रेखा का। ज़्यादा जुड़ाव जो है वो ऊपर वाली रेखा से हो गया और बृहस्पति पर्व तक पहुँच गया। जब इस तरह की रेखा व्यक्ति के पास होती है, व्यक्ति मन से बहुत सुंदर व्यक्ति होता है, अनुशासन वाला व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, ज्ञान व्यान व्यक्ति होता है, परंतु मन का बहुत सरल और सच्चा, क्योंकि हृदय रेखा मन और मस्तिष्क रेखा बुद्धि दोनों एक जगह जाके एक सीध में आकर के मिल गई। व्यक्ति मन से बहुत सच्चा, बहुत ईमानदार और सबके काम आने वाला, परंतु व्यक्ति के साथ में ऐसी के साथ में धोखा होता ही है, क्योंकि दुनिया इस तरह के आदमियों के लिए बनी नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं। अब इनकी दूसरी मस्तिष्क रेखा देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मिटी हुई थी ये, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा इंडिकेशन दिख रही, लेकिन बिल्कुल मिटी हुई है। अब जब इतनी मस्तिष्क रेखा मिटी होगी तो भैया एक बार बताइए, जीवन में उदासी क्यों नहीं होगी? ऊपर वाली मस्तिष्क रेखा ने लोगों ने लूट लिया, यहाँ की मस्तिष्क रेखा पूरी मजबूत नहीं है। मजबूत ना होने की वजह से मन में उदासी रहती है, मन में परेशानी रहती है, दिमाग परेशान रहता है। तो यहाँ ये दूसरा आपका यहाँ एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं मिला। आपका सवाल ले लेता हूँ मैं एक साथ के साथ।
आपने कहा मैं नया जॉब चेंज कब करूंगा? आपकी उम्र है इस समय 47 वर्ष। ये देखिए, यहाँ से जहाँ इस रिकॉर्ड ने काटा है, ये आपका जीवन यहाँ 35 वर्ष, और यहाँ से ये धुंधली रेखाएं, इतनी धुंधली जब रेखाएं होती है, व्यक्ति धन कमा भी रहा है 35 साल से लेकर के 55 वर्ष तक, लेकिन उसको लोग बाग लूट करके ले गए। अगर मैं दूसरी मस्तिष्क रेखा से भी लगाव मान लिया, चलो यहाँ 35 मानता हूँ और यहाँ से भी देखता हूँ, तो भी आपके साथ ऐसा ही अनुकूल लगता है। स्थिति क्या है कि यहाँ पर आपके साथ स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो जब स्थितियाँ अनुकूल नहीं होती तो व्यक्ति को लोग लूट के ले गए। यहाँ से आइए, एक रेखा निकली है रही और इतने लेकर के ये भी मस्तिष्क रेखा थी और जा कर के यहाँ जुड़ गई, तो दिमाग ने तो काम करा नहीं, और साथ में लोग आपको जो आपके हितेशी मन के दिखला रहे थे वो आपको लूट करके ले गए। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यह अभी स्थिति मुझे 55 वर्ष तक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो जब इसकी बात मैं करता हूँ तो यहाँ, क्योंकि ये छोटा सा दीप इसने रेखा ने बनाया है या मस्तिष्क रेखा ने आयु रेखा पर, तो यहाँ जब ये दीप बनाया है तो ये संघर्ष का समय है, ये रेखा और ये हल्की सी रेखा ऐसे, तो ये यहाँ भाग्य रेखा पर हल्का सा दीप ये मस्तिष्क रेखा ने बनाया है, जो आपको अभी आपकी परीक्षा लेता रहेगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। जॉब का चेंज का जहाँ तक सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए जहाँ लगे हुए हैं बहुत आराम के साथ लगिए, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कोई आपको ऑफर करे तभी आप चेंज करिए, वरना आपको दूसरे में भी परेशानी आने वाली है। तो यहाँ ये बात आपकी है, साथ के साथ मैंने ऊपर समझा दिया। अब किसी के बहकाए में बताइए, वही जीवन का 47वां वर्ष कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वर्ष नहीं होता। अब अपने पैसे को समझिए, लोगों के बहकाए में आपको नहीं आना है। पूजा पाठ तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा आपको, जो आपके स्थिति आपके अनुकूल बने। आपने पूछा घर कब बनेगा, अभी तो मुझे भाई साहब यहाँ घर की तो कोई हिसाब किताब दिखाई ही नहीं पड़ रहा, और यहाँ कुछ हो सकता है, शायद हो सकता है कि 55 से 57 वर्ष के बीच, अभी ज़्यादा अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नज़र आया था मुझे, तो मुझको लगता है कि 55 से पहले तो बनना नहीं है, ये तो बात पक्की हो गई है। और उसके बाद में क्या स्थिति अनुकूल बनेगी, यदि इधर की तरफ कोई इस तरह का त्रिभुज बन जाए तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ ये या ऊपर बन जाए तो इसको 55 वर्ष पे ऊपर से 55 से 60 के बीच में, और ऊपर ट्रायंगल बन जाए तो फिर वहाँ, तो यहाँ इधर का जो ट्रायंगल होगा वो आपका बताएगा आपको। अभी यहाँ कोई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ये कह नहीं सकता, 55 तक वर्ष कर से कह सकता हूँ 55 वर्ष तक आपका मकान नहीं बनने वाला है। अगली बात, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ देता ही नहीं है, सब लूटने वाले हैं। आपकी मैंने हृदय रेखा और मानसिक रेखा से बता दिया, साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो बृहस्पति पर्वत भी ऊंचा उठा हुआ था, बुद्ध पर्वत नीचे दबा हुआ था, तो कोई क्या साथ देगा, साथ तो कोई देगा ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे से आपको अपना पैसा किसी पर लुटाना नहीं है। तो ये आपने कहा सबको पैसा देता हूँ, कमाया दे दिया, वो दे दिया तो लूट के ले गए, वो तो मैं आपको एक ही रेखा से मैंने आपके सारे सवाल का जवाब आपको दे दिया था। जीवन में सक्सेस अभी 55 वर्ष तक मत सोचिए, बहुत संघर्ष है 55 वर्ष तक, उसको अनुकूल किस तरीके से बनाया जा सकता है ये मैं आपको बता दूंगा। पैतृक संपत्ति की बात आप कर रहे थे, सबसे पहले देखिए भाग्य रेखा है और नीचे जाकर के केतु स्थान को यहाँ मिल रही है, तो ये पैतृक स्थान से रेखा निकल रही है, लेकिन ये कोई नीचे त्रिभुज नहीं बना रही। अगर ये कोई बड़ा त्रिभुज बनाती तो कोई बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी घर से पैतृक संपत्ति मिल जाती, तो यहाँ उसका भी कोई आपको विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है पैतृक संपत्ति का भी, ये भी हाथ के आपके हाथ के अंदर इंडिकेशंस हैं। चलिए बात कर लेता हूँ मैं कुछ और बातों की। यहाँ देखिए चंद्र पर्वत अनुकूल है, सही है, साथ ही साथ आपका शुक्र पर्वत है, ये भी अच्छा नहीं है, इस पर कोई रेखाएं इस तरीके से नहीं आ रही जिससे मैं कह दूं कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। बड़ा कठिन समय है, पैसा तो सब आप लुटा ही चुके हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी थी पिछले साल, पिछले समय में आपने खूब कमाया और लोगों को सब पैसा ले गए लूट करके, आप खाली हाथ हो गए।
तो यहाँ स्थितियाँ ऐसी हैं कि आगे भी बहुत स्ट्रगल की स्थिति आपके पास है। तो ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, आपको एक पन्ना धारण करना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना आपको इस उंगली में धारण करना पड़ेगा, मक्कार लोगों से बचने के लिए, धन कमाने के लिए, तरक्की पाने के लिए। तो आपका रत्न पन्ना बनता है, यदि आप पर हो तो पहन सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, हम आपको पन्ना वहाँ भेज देंगे और बता देंगे कब आपको पहनना है। दूसरी बात, आप के पास यदि कहीं पर कोई हनुमान जी का यदि मंदिर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आप शनिवार के दिन जाइए हनुमान जी के मंदिर में और चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दीजिए शनिवार के दिन जा करके, और बजरंगबली के सामने बैठ जाइए, 5 लड्डू बेसन के ले जाइए, वो उनको आपको चढ़ाने हैं, और साथ ही आप सुंदरकांड हर शनिवार के दिन पढ़ना शुरू कर दीजिए, यदि आपको अपनी मुसीबतों पर पार पाना है, यदि आपको धन पाना है। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर नित्य हनुमान अष्टक एक आरती होती है एक तरह की, वो हनुमान अष्टक आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में जोड़ना होगा, तभी आपको अपने संकटों पर विजय प्राप्त होगी। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।